इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, सेल की खोज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में, और इसकी खोज के लिए इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, और उन्होंने अपनी रिसर्च एक छोटे से कमरे में की थी जिसको सेल कहते थे वो खुद। इसीलिए आगे चल करके जब ये रिसर्च कर रहे थे मधुमक्खी के छत्ते के एक छोटे से टुकड़े पे, तो उन्होंने देखा था कि ये छत्ता जो है हेक्सागोनल शेप में है, इसीलिए उसको भी उन्होंने सेल नाम दिया था। अब इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है माइक्रोग्राफिया नाम की उनकी खुद की लिखी हुई एक किताब से, जिन्होंने इस पर सारा कुछ अपने डिटेल्स लिखा है कि उन्होंने कैसे कैसे तरीके से सेल्स को डिटेल तरीके से फाइंड आउट किया था, और उन्होंने एक मृत सेल पे एक कॉन्सेप्ट जो खोजा था। इसके अलावा मैंने अभी बोला कि उन्होंने मृत सेल पे ये खोजा था, अगर मैं पूछूं कि लिविंग सेल में किसने सबसे पहले खोजा था, तो ये खोज की थी लेवेनहॉक ने सन 1674 में, जिन्होंने पहली बार एक जीवित सेल पे ये सारी रिसर्च की थी। अब समझते हैं कि ये माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखिए, माइक्रोस्कोप मिस्टर जेंसी ने 1585 में बनाया था, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, पर ये बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल किस्म का माइक्रोस्कोप था। जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था वो उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जिस पे उन्होंने रिसर्च की थी। और आज की डेट में जो हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है, जिसको ऑस्टिन रुस्का और मैक्स लॉन्स ने 1931 पे बनाया था। साइड में आप उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्मॉल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनल यूनिट को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये सेल बायोलॉजी के जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसको लेवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 में दिया था, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं सेल को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। देखिए, वैसे तो दो कैटेगरी होती है, एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टीसेलुलर। सबसे पहले हम समझते हैं यूनिसेलुलर सेल क्या होता है। यूनिसेलुलर सेल ये एक ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि सिर्फ एक सेल का बना होता है। मीन्स कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या फिर जीव पे जब एक ही सेल पाया जाता है उसको यूनिसेलुलर सेल कहा जाता है। जैसे कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम हो गए और बैक्टीरिया हो गए, इन सब के अंदर सिर्फ एक सेल ही पाया जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं। अब समझते हैं मल्टीसेलुलर सेल के बारे में। मल्टीसेलुलर सेल नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि इनके अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग या फिर प्लांट्स। मल्टीसेलुलर सेल में हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ब्रेन के लिए अलग सेल्स हैं, हार्ट के लिए अलग हैं, ब्लड्स के लिए अलग हैं। इसी तरीके से प्लांट में भी उनका क्लासिफिकेशंस होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मल्टीसेलुलर सेल के, जिनको हम आगे के वीडियो पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो सेल्स को दो ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसको हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं। इसमें एक ही न्यूक्लियॉइड होता है और वही न्यूक्लियस का पूरा एक सेल बना होता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही कुछ और। और इसका कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया। अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, डीएनए इसमें बहुत सारा इसमें मिल सकता है, और इसका रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लाइड और क्रोमैटिन नेटवर्क भी पाया जाता है। इसमें सेल्फ ऑर्गेनेल पूरी तरीके से अवेलेबल होता है, और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो फंगस हो सकता है, प्लांट हो सकता है या अमीबा हो सकता है। जैसा कि हमने चर्चा किया, अमीबा यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं।
या तो एक सेल का या मल्टीपल सेल के। तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आगे के वीडियो पे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।